मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय भाग 9 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान से पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 9 पद से हम पढ़ेंगे आपके लिए और उसको ध्यान से हम समझेंगे। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया जहां पर प्रार्थनाएं चल रही थी, वहां पर यीशु आया। देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए, वो कई थे जो यीशु को ताक रहे थे और उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए और उसे पकड़कर ना निकालें? भला मनुष्य का मूल भेड़ से कितना बढ़कर है? इसलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया अपने हाथ को यीशु की ओर बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। वाह, आमीन, हालेलुया। फिर वो दूसरे हाथ की नाई वो अच्छा हो गया। याद रखें, यीशु वैसे ही आज आपके बीच में है। हम उसको अगर पहले पद को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यीशु एक ऐसे स्थान पे गया जहां पर काफी लोग इकट्ठे थे और वहां पर यीशु सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। कहिए आमीन। यीशु सुसमाचार दे रहे थे, प्रभु वहां पर सुसमाचार बांट रहे थे। उस पहली लाइन को अगर दिखाएं तो हमारे साथ पढ़िए, लिखा है कि वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। सभा जहां पर काफी लोग इंतजार कर रहे थे यीशु का, और जैसे ही वो उस घर में आता है वहां पर वो परमेश्वर का वचन दे रहा था। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? वो परमेश्वर का वचन बांट रहा था, वो स्वर्गीय प्लान के बारे में बता रहा था, वो आपके जीवन कैसा बेहतर होगा वो समझा रहा था, आपको कैसे अच्छे जीवन को जीना है वो समझा रहा था। तभी वहां उस सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका एक हाथ अंग एक 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 हाथ सूखा हुआ था। एक हाथ में सूखे की बीमारी हो गई थी और उसका पूरा हाथ बेकार हो गया था। वह उस सभा में बैठा था जब यीशु वचन का प्रचार कर रहे थे। वो बहुत ध्यान से यीशु के संदेश को सुन रहा था। याद रखें, जो यीशु का संदेश है वो यीशु मसीह ही है। और जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनते हो सभा में बैठकर, तो याद रखें आप यीशु की सुन रहे हैं, और जो यीशु की सुन रहा है उसकी यीशु सुनता है। आप अगर यहां बैठे, आपका ध्यान आपका मन दूसरी जगहों पर है, परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। आप बैठे जरूर हो पर वो आपको नहीं देख रहा है, लेकिन वो आपको देखता तब है जब आप उसकी हर एक बातों को ध्यान से सुनते हो और अपने बाइबल में वचनों को देखते हो। वो आपको देख रहा है। यीशु ऐसे स्थानों पर गए जहां पर सभाएं थी, वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के आने की, उसके पुत्र के आने की। यीशु उस सभा में आया और वहां पर बहुत सारे लोग थे और वहां ऐसे लोग भी थे जो यीशु पर दोष लगाने के लिए प्रभु की ताक में थे। यीशु वहां पर गया और वहां पर पिता के साम्राज्य के बारे में परमेश्वर बातों को कहने लगा। कहिए आमीन। बोलो परमेश्वर का साम्राज्य, परमेश्वर का राज्य। इंसानों का राज्य आपने देखा है, परमेश्वर का राज्य कैसे होता है इसको देखना जरूरी है। आपने इंसानों का राज्य देखा, ये सत्ता में है, ये अधिकार में है, ये है, ये है, वो है, पर आपने परमेश्वर के राज्य के बारे में कभी सोचा उसका राज्य कैसे है? जो उसके राज्य में कदम रखता है वहां किसी धर्म वहां किसी जाति का कोई मतलब नहीं है। वहां पर एक इंसान जब अपने स्वामित्व को अपने आप को उसके इच्छाओं में दे देता है, हम पहुंच जाते हैं स्वर्गीय राज्य में। वहां पर परमेश्वर का आनंद, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पर उसका प्रेम एक पिता की नाई हमारे अंदर आता है। वहां हम सब कुछ भूल जाते हैं, वहां एक ही बात होती, मेरा पिता।
जो स्वर्गीय है वो मेरे लिए काम करेगा। कहिए आमीन। यीशु वहां स्वर्गीय प्रचार करना शुरू किए, वहां पर पिता की इच्छाओं को बोलना शुरू किए, और जैसे ही वो पिता की इच्छाओं को दे रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था, उसको सूखे की बीमारी लग गई थी, और यीशु उसी जगह पर वो प्रचार कर रहे थे पिता का। कहिए आमीन। वह सुसमाचार दे रहे थे, कहिए सुसमाचार दे रहे थे। वो किसी के बारे में बुराई नहीं बोल रहे थे, वो किसी के बारे में बुरा शब्द नहीं कह रहे थे, वो दे रहे थे सुसमाचार, जहां पर आपका जीवन आनंद के रास्ते तैयार होगा, जहां पर आपके छुटकारे तैयार होंगे, जहां पर आप छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। वह परिस्थिति थी सुसमाचार की परिस्थिति। कहिए आमीन। वो सुसमाचार दे रहा था और अचानक एक व्यक्ति था उठा, प्रभु से देख रहे थे, वो ध्यान से उस सुसमाचार को सुन रहा था, और वो उठा। यीशु ने कहा तू अपना हाथ बढ़ा मेरी ओर। यीशु ने कहा अपना हाथ तू मेरी ओर बढ़ा। वो ध्यान से इसके पहले सुसमाचार पर मन लगा के सुन रहा था, वो विश्वास के साथ उस सुसमाचार को एक बल की नाई, एक जीवन की नाई अपने अंदर ले रहा था। कहिए आमीन। वो चूक नहीं रहा है जैसे आप नहीं चूक रहे हैं, ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं। हाँ या ना? आप एक भी शब्द को बाहर मत जाने दो, जो चीजें पवित्र आत्मा दे रहे हैं वो आपके जीवन में बलपूर्वक दिखाई देंगे, उसको हर क्षण अपने अंदर रख लो। अपने हाथों को बढ़ाया, वो उठा, और सूखे अंगवाले ने अपने हाथों को बढ़ाया, दिखाइए उस पद को। यीशु ने उसे क्या कहा वहां पर? यीशु ने कहा हे सूखे अंगवाले अपने हाथ को बढ़ा, भला मनुष्य का मूल भेड़ों से कितना बढ़कर है, इसलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने अर्थात यीशु ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। वो अपना हाथ बढ़ाया किसकी ओर? जवाब दीजिए, किसकी ओर? जवाब दीजिए। उसने अपने बीमारी के उस हाथ को, जिसके हाथों में सूखे की बीमारी लग गई थी, सुसमाचार को सुना, और फिर उसने अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने यीशु की ओर बढ़ाया, लिखा है उसके आगे पढ़ें, तभी क्या लिखा है, उसने बढ़ाया और वह फिर, तेजी में चिल्लाओ हालेलुया, और उसने बढ़ाया। कितने लोग हैं जो उसको उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं? वाह, और उसने बढ़ाया। आप अपने मुख से बोल सकते हैं उसने बढ़ाया, अपने बीमारी के हाथ को बढ़ाया, अपने सूखे अंग वाले हाथ को बढ़ाया, बढ़ाया मन की इच्छाओं से, मन की भरपूरी से, संपूर्ण मन से बढ़ाया। और लिखा है वो दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया, ओ अच्छा हो गया। आमीन बोले। वो अच्छा कर दिया गया, हालेलुया, वो अच्छा कर दिया, हालेलुया। उसने बढ़ाया अपने जीवन को परमेश्वर की ओर। प्रभु कहता है तू विश्वास करता है क्या? क्या आप विश्वास करते हैं उसके कहे गए शब्दों के ऊपर? यीशु किसी भी बंदियों को छुड़ा सकते हैं। आमीन बोलो। वो किसी भी तरीके से बंदी आप है, वो आपको आजाद कर सकते हैं। उसे महसूस करो अपने अंदर, महसूस करो अपने अंदर। मैं इसमें से कुछ लोगों को कहूंगा जो आज बंदिश में है, अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, यीशु उन्हें छुटकारा प्रदान करेंगे। याद रखें कि हमारे मन तैयार होते हैं परमेश्वर के लिए, हमारे हृदय तैयार होंगे यीशु के लिए, उसी समय बंदी से टूटना शुरू होंगी। आप अगर किसी भी बीमारी की अवस्थाओं में पड़े हैं, शैतान ने आपको बंदी बना लिया है, बीमारियों ने आपको बंदी बना लिया है,
दुष्टात्माओं ने आपको बंदी बना लिया है, कर्ज ने आपको बंदी बना लिया है, लड़ाई और झगड़े ने, तमाम मुकदमे ने आपको बंदी बना लिया है, पर आज ये वक्त है कि हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर करना शुरू करेंगे आमीन के साथ। और याद रखें, जैसे हम अपने विचारों को अपने विश्वास की आत्मा में अपने जीवन को परमेश्वर की ओर करेंगे, हम छूटने लगेंगे यीशु के नाम में आमीन। देर नहीं करें, परमेश्वर सामर्थी है आपके जीवनों को सही करने के लिए, उसमें ताकत है, वो आपको छुड़ा सकते हैं। आप कहीं भी बंदी बना लिए गए हो, आप किसी भी स्थानों पर हो, पर उसे स्मरण रखो अपने अंदर, उसे याद रखो, उसे याद रखो अपने भीतर, वो आपको आजाद कर सकते हैं। यीशु ने कहा अपने हाथों को बढ़ा मेरी ओर, बगैर देर किए हुए उसने अपने हाथों को बढ़ाया, बढ़ाया अपनी मर्जी को प्रभु के हाथ में दे दिया, इसका मतलब अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में दे दिया, इसका मतलब अपने जीवन के हर सोच और विचारों को प्रभु के हाथ में दे दिया, इसका मतलब अपने हाथों को बढ़ाने का मतलब यही हुआ, उसने अपनी मर्जी को प्रभु के हाथ में दे दिया। कहिए आमीन। उसने अपने सोच और विचारों को प्रभु के हाथ में, अपने जीवन के सोच और विचारों को किसके हाथ में, जैसे ही उसने अपने हाथों को दे दिया, यीशु कहता थोड़ी देर में उसके हाथ पहले के समान अच्छे हो गए। स्थितियों में बदलाव लेके आने वाला है प्रभु, कहिए आमीन। आपके स्थितियों में बदलाव, आप उसके साथ रहो, 100% आपकी स्थिति बदलने वाली है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।